नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं टारगेट 70th बीपीएससी 2024 प्रैक्टिस सीरीज बाय दृष्टि पीसीएस। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जब हम बात करें प्रीलिम्स की, तो जनरली आपकी प्रैक्टिस ही आपको पार लगाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रैक्टिस करने से। और इसी के लिए हम लोग ये सीरीज भी ले आए हैं, जिसके अंदर हम लोग हर एपिसोड में लगभग 50 सवाल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके साथ साथ इर्द गिर्द के कुछ फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक होलिस्टिक वे में आपका रिविजन हो सके। इसमें आपके सारे सेक्शन जो सिलेबस के वो कवर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जो भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी दृष्टि आईएएस के द्वारा चलने वाली, वो सारी अब नोएडा में होगी, नोएडा सेक्टर 15 में। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा नोएडा सेक्टर 15 और एड्रेस है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9311406440। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से आपको एक कॉल बैक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नए बैचेस की, तो नोएडा में हिंदी मीडियम का जो बैच स्टार्ट होगा वो 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा, इंग्लिश मीडियम का 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा बाकी सेंटर्स पे देखें तो लखनऊ में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में स्टार्ट हो रहा है 29 नवंबर को। और प्रयागराज की बात करें तो वही फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम में 2 जनवरी को 6 बजे शाम में स्टार्ट होगा और इंग्लिश माध्यम में 5:30 बजे 2 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। तो पहला सवाल है, चोल साम्राज्य के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरा है कि राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पूछ रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राजा राज चोल ने नहीं बल्कि चोल राज्य साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, विजयालय नाम था उनका। दूसरा स्टेटमेंट यहां सही है, राजा करिकाल वो एक प्रोमिनेंट राजा हुए हैं चोल वंश के, उन्होंने पुहार नामक एक बंदरगाह की स्थापना की थी, एक ये अर्बन पोर्ट सिटी थी, ठीक है, और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबा तटबंध भी इन्होंने बनवाया था। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें अगर तो आप देखेंगे चोल जो है तमिलनाडु वाला एरिया जो हमारा, यहाँ पे देखिए ये केरला का कुछ एरिया, ये तमिलनाडु वाला एरिया, उत्तरी भाग, मध्य भाग और यहाँ पे श्रीलंका वाला, ये जो एरिया था ये चोलों का आप ये कह सकते हैं कि यहाँ साम्राज्य था। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ गुलाबी कलर में जो एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस था, मतलब कि यहाँ तक इनका प्रभाव था, प्रभाव देखा जा सकता था। ये छोटे छोटे राज्य थे जो इनके छत्र छाया में वहां राज कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे जो हम बात कर चुके हैं, और ये पहले पल्लवों के सामंत थे, ठीक है, पल्लव साम्राज्य के बारे में सुना होगा, तो ये पहले पल्लवों के सामंत थे, फिर उनसे अलग होकर के अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। एक प्रोमिनेंट राजा हुए थे करिकाल, उन्होंने पुहार की स्थापना की थी, वह कावेरी पट्टनम के समान ही एक बंदरगाह शहर की स्थापना की थी जिसे हम लोग पोर्ट सिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख चुके हैं 160 किलोमीटर लंबा तटबंध उन्होंने बनाया, ठीक है। ये मैप आप याद रखिएगा, थोड़ा काम आएगा कभी कभार, जब हमसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से एरिया में चोल साम्राज्य था, तो मैप से चीजें ज्यादा याद रहती है हमें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पाल शासक धर्मपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पाल वंश का संस्थापक था। दूसरा है कि उसे विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तीसरा है वह पहला शासक था जिसे महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी शाही उपाधियां धारण की थी, ठीक है। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था, ऐसा नहीं है, पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर दूसरा कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा और भी विहार उसने बनाए थे, विक्रमशिला एक प्रोमिनेंट, ठीक है। अगला है कि वह पाल शासक था जिसे महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां मिली है, तो ये पहला शासक था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है आपका, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ सही उत्तर होगा, ठीक है, याद देख लीजिए, ऑप्शन सी सही है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगर धर्मपाल के शासनकाल की बात करें तो उसके 32वें वर्ष में यहाँ पे खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख,
कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, वहां पे खालिमपुर नाम का एक इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ये बताया गया है कि उसने राज्य को समृद्ध बनाया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने विक्रमशिला महाविहार की नींव रखने का श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध ओदंतपुरा विहार की स्थापना भी उसी ने की थी। यहाँ पे देख लीजिए, उसने ये टाइटल लिए थे, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। ठीक है, अगला सवाल, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी, कृषि का पर्यवेक्षक, बूचड़ खाने का मुखिया या फिर मुख्य कोषागार अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है आपका। गोप जो होते थे ये गांवों के जो वरिष्ठ जो होते थे उनके लिए यूज किया जाता था, गांवों को रूल करने के लिए या गांवों के प्रशासन के लिए एक ग्रामीणी करके इकाई हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जो ग्रामीणी इकाई थी उस इकाई के अंदर जो वरिष्ठ होता था उसको गोप कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। यहां देखिए, ग्राम प्रशासन ग्रामीणी या ग्रामीणी के हाथों में होता था, उसके वरिष्ठ को गोप कहा जाता था, जो 10 से 15 गांवों का प्रभारी होता था। ठीक है, दूसरी बात, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना होगा कि किसने लिखी थी। ठीक है, दूसरी बात, कौटिल्य ये आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक संरचना की सिफारिश की है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने संरचना बताई है कि 800 गांवों की इकाई होगी तो वहां पे एक स्थानीय मुख्यालय होगा। ठीक है, फिर 400 गांवों की इकाई में उसे हम लोग द्रोणमुख इकाई बोलते हैं, द्रोणमुख इकाई। ठीक है, उसके बाद 200 गांवों की इकाई जो होगी उसे कर्वटिक कहा जाता है। ठीक है, और अगला है कि 10 गांवों की इकाई होगी उसे संग्रहण कहा जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जो है फिर आपके जो ग्रामीण या ग्राम होंगे, गांव होंगे, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनका नाम होगा स्थानिक या फिर गो। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, बलबन। जब बलबन जो है वो एक तुर्क मुसलमान था, ठीक है, मामलुक वंश जब चल रहा था तो वहां पे अपने आप में अंदर राजशाही के साथ काफी संघर्ष थे और इन तुर्क मुसलमानों के उनसे संघर्ष चल रहे थे। उनमें से एक तुर्क था उलुग खान। उलुग खान ने जब वहां पे सत्ता अपने हाथ में ली उसके बाद उसने अपना नाम जो है बलबन रख दिया था। यहाँ पे देखिए इतिहास में इसको बाद में बलबन की उपाधि दी गई थी। राजशाही और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक एक तुर्क सरदार उलुग खान का शासन नहीं आया और उसके बाद उसने इतिहास में बलबन की उपाधि धारण की। ठीक है, इस इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने सैन्य रिफॉर्म्स किए थे। ओके, अब सैन्य रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने एक ऐसा अपना डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग बनाया था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ इसको पुनर्स्थापित किया था, नहीं इसको पुनर्स्थापित नहीं, इसको स्थापित किया था। इससे पहले इल्तुतमिश ने भी सैन्य रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंट तौर पे इस सैन्य विभाग की स्थापना जो है वो बलबन ने की थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यह उन सैनिकों तथा सैन्य कर्मियों को पेंशन प्रदान करता था जो कि उसे लगा कि अब ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पेंशन की व्यवस्था भी उसने सेना में लाई थी। उसने गंगा जमुना द्वाब और अवध के मेवातियों, राजपूत जमींदारों और डकैतों से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी जिसका जनरली ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नकद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी जिसे दाग प्रथा कहा जाता था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में उसको बहुत चीजों के लिए जाना जाता है लेकिन ये बात भी फैक्ट है, उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, उसने उसके अलावा बहुत सारे सैन्य रिफॉर्म्स भी किए थे। ठीक है, और अगर दीवाने अर्ज को किसी ने पुनर्स्थापित किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, स्थापित किसने किया था? बलबन ने। फिर इसने वापस जो सैन्य रिफॉर्म्स किए थे उसने भी एक डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया था। उनमें से एक रिफॉर्म ये था कि सैनिकों को पूरा वेतन कैश में नकद में देगा, दूसरा घोड़ों को दागने की प्रथा, जो घोड़े अच्छे होते थे, ठीक है, उनके ऊपर एक ठप्पा लगाना, एक मार्क लगाना कि ये घोड़ा अच्छा है और उसी घोड़े को लड़ाइयों के दौरान ले जाया जाएगा, ऐसी प्रथा को जो है दाग प्रथा कहा जाता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के काल की बात करें तो 1296 से 1316, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी जो कि इसका चाचा होता था। ठीक है, अपने चाचा की हत्या करके उसने शासन अपने हाथ में लिया, अपने आप को सुल्तान कहलाने लगा। उसके बाद उसने भारत में अपनी कई विजय यात्राएं की। ठीक है,
उसने अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और देश को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना की स्थापना की। संपूर्ण भुगतान जो है वो नकद में करता था, कैश में करता था। दागने की प्रथा, जिसे दाग प्रथा कहा जाता है, वो भी इसने शुरुआत की थी। सवाल है कि उत्तर दिशा में गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, घाघरा, गंडक, बागमती और महानंदा। ठीक है, तो अगर आप इन नदियों के बारे में देखेंगे, आप पहले यहाँ पे मैप देख लीजिए, ये आपकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने बोला है आपको पूर्व से पश्चिम में करना है, तो सबसे पहले महानंदा आएगी, उसके बाद आपको कौन सी दी हुई है यहाँ पे, मेरे हिसाब से बागमती, फिर गंडक और फिर घाघरा। ठीक है, सवाल देखते हैं वापस, सबसे पहले महानंदा आएगी, उसके बाद बागमती, फिर गंडक और फिर घाघरा। ठीक है, तो ये आपका क्या कूट बन गया, 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, बिहार की प्रोमिनेंट नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ये गंगा नदी है, और यहाँ पे जो इसके नॉर्थ में जो ये नदियां हैं वो आपकी है महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। इसके अलावा साउथ में आप देखेंगे मुख्य तौर पर सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्योल और अजय, ये नदियां हैं। इसके अलावा दो नदियां और आप ध्यान रखेंगे, बधुआ और चंदन, ये नदियां जो है दक्षिण से इधर की तरफ आती है, गंगा की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर क्या है, घास के मैदान, अनुपजाऊ भूमि, तटबंध या लेवी निक्षेप या फिर उच्च भूमि। जब हम बात कर रहे हैं चौर की, तो चौर जो है आप देखेंगे कि जो नदियां बहती है और उसके साइड में आप पाएंगे कि अगर ढलान है कहीं पे और पानी वहां चला जाता है, नदी में ज्यादा पानी आ जाता है और ढलान में पानी चला जाता है, तो वहां पे दलदल जैसी स्थिति बन जाती है, जो ये दलदल जैसी स्थिति बनती है उसी को चौर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तटबंध लेवी निक्षेप है। ठीक है, यहां देख लीजिए आप कि यहाँ पे पाएंगे कि ये जो गंगा नदी का ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया ये जो है निम्न भूमि है या फिर लो लैंड्स है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस नॉर्थ बिहार प्लेन्स की बात करें तो इनका जो यूं कहें कि ढलान है वो दक्षिण की तरफ है इधर। ठीक है, तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला एरिया, यहाँ पे चौर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मोकामा वगैरह वाला जो एरिया, यहाँ पे चौर पाए जाते हैं। चौर क्या है, इस तरीके के कुछ दलदल है, इनके साइड में आप देखेंगे कि मिट्टी रहेगी, मिट्टी के धोरे जैसे रहेंगे, सैंड ड्यून्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप, गंगा नदी के उत्तर में स्थित संपूर्ण उत्तर बिहार का मैदान एक जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन है, जिसका दक्षिण की ओर ढलान है। ठीक है, और पूर्वोत्तर भाग निम्न भूमि है। अब ये पूर्वोत्तर भाग जो है ये निम्न भूमि है और यहाँ दक्षिण की तरफ ढलान है, तो सीधी सी बात है पानी इस तरफ जाएगा जब भी एक्सेस पानी होगा। तो नीचे देखिए, इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में तटबंध निक्षेप, लेवी डिपॉजिट, नदी के तटों पर रेत के टीले होते हैं और चौर के रूप में जाने जाने वाली दलदल क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि नदी के साइड में तो रेत के टीले होते हैं और एक तरफ ढलान की वजह से पानी जहां इकट्ठा हो जाता है और वहां पे दलदल बन जाता है, उसे चौर कहा जाता है। ठीक है, अभी जो चौर है जैविक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे वनस्पति और जीव जंतुओं की जैव विविधता काफी होती है, मतलब जैव विविधता से काफी समृद्ध क्षेत्र होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके तटबंध लेवी निक्षेप है। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सबसे सामान्य है, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है, जब हम बात करें बिहार की तो बिहार में मोस्टली आप पाएंगे उपोष्ण कटिबंधीय मानसून रहेगा। कोपन का वर्गीकरण के अनुसार बिहार को जब विभाजित करते हैं तो अधिकांश भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके ठंडे और शुष्क विंटर्स रहेंगे, मतलब कि सर्दियां जो रहेगी वो सूखी रहेंगी। ठीक है, और उसमें बारिश नहीं होती और आप पाएंगे कि जो गर्म ग्रीष्म ऋतु होगी उसमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है और ग्रीष्म ऋतु ऑब्वियसली गर्म तो होगी ही वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, जो कि बिहार का अधिकांश पार्ट जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंदर आता है। ठीक है, अगला है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप या फिर बरीड सनलाइट के रूप में जाना जाता है, ईंधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो कोयले के लिए कहा जाता है कि ये अंतर्हित धूप है या फिर यूं कहें कि बरीड सनलाइट है। क्यों? क्योंकि कोयला जो है वो जनरली कैसे बनता है आपको कि जब कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं वो अंदर जाकर के दब जाते हैं और आग की वजह से वो बर्न होकर के कोयले के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कोयला घरेलू उद्देश्य और विभिन्न उद्योगों में यूज किया जाता है, लोहा और इस्पात, आपका जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें भाप के इंजन में यूज किया जाता था पहले, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसको हम लोग थर्मल पावर या फिर तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी कोयला यूज किया जाता है।
और यहाँ पे देखिए कोयला जो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना को प्राय अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसको बरीड सनलाइट या फिर अंतरित धूप कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन से ऐसे हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के स्थल नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, कलपक्कम, मणिकरण, तारापुर, नरोरा, केगा, पूगा घाटी या फिर काकरापार। अब दो तीन चीज हमें पता है कि तारापुर तो है, कलपक्कम है, काकरापार है। ठीक है, अब आप देखेंगे बाकी के नाम, अगर देखें नरोरा भी है हमें पता होना चाहिए, प्रोमिनेंट नेम है। अब ये मणिकरण, पूगा घाटी और केगा के बारे में हमें नहीं पता, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है चार और छह, चार लेंगे और छह लेंगे तो आपको पता है चार तो है, नरोरा तो है, तो इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। फिर आपका दूसरा और तीसरा, दूसरा मतलब मणिकरण और तीसरा है आपका तारापुर। जब हम तारापुर की बात करें हमें पता है कि तारापुर एक न्यूक्लियर संयंत्र है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। फिर बात हो रही है दो और छह की, मणिकरण और पूगा घाटी, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बारे में हमें नहीं पता है। अगला है कि छह और सात, पूगा घाटी और काकरापार, काकरापार हमें पता है कि है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। ये जो है आपके मणिकरण और पूगा घाटी, ये नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए ये भूतापीय संयंत्र है या फिर आप कहें कि जियोथर्मल प्लांट है। मणिकरण कहाँ पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो दूसरा है पूगा घाटी वो लद्दाख में स्थित है। ये दोनों चीजें आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों की बात करें तो कलपक्कम और कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, आपको पता होगा राणा प्रताप सागर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में है, और काकरापार गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज या फिर कमर्शियल क्रॉप जो है कहें या कमर्शियल सीरियल कहें, कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है। ठीक है, अब ये आपकी कमर्शियल सीरियल कौन सा है ऐसा, या वाणिज्यिक अनाज कौन सा है जो सामान्य रूप से उगाया जाता है। अब वाणिज्यिक अनाज का मतलब है कि वो अनाज जिसे हम पैदा करते हैं और उसे बाद में बेचा भी जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा गेहूं बेचा जाता है, मक्का भी बेचा जाता है, वैसे बेचे तो जौ और धान भी जाते हैं, लेकिन कई बार आप पाएंगे जौ और धान जनरली स्टेपल डाइट होते हैं, वो यूज कर दिए जाते हैं। गेहूं और मक्का जो है आपका सही उत्तर है, दो और तीन, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए एक बार, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु इनको बनाया जाता है। दूसरा है ये एक विस्तृत कृषि क्षेत्र यानी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है इनके लिए और अधिक पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए। दूसरा है अधिकांश काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज की कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिश्रित कृषि मिक्स फार्मिंग और रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग। आपकी जो अनाज की कृषि है ये तो नॉर्मल बात है, मिक्स फार्मिंग का मतलब है कि यहाँ पे आप ना डिफरेंट चीजों के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अनाज उगा रहे हैं उसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है रोपण कृषि मतलब प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप मतलब जैसे चाय, कॉफी, गन्ना। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, ये शामिल है। गेहूं और मक्का आमतौर पर व्यावसायिक रूप से उगाए जाने वाले अनाज। ठीक है, इनके बारे में हमने देख लिया। अगला सवाल है, रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोपण कृषि प्रमुखतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जनरली ये ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है इनकी खेती जो होती है, क्योंकि इनके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, इनके लिए हाई टेम्परेचर प्लस रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगला है कि इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है क्योंकि ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया प्लांटेशन क्रॉप में क्या आता है आपका चाय, टी, कॉफी, गन्ना, शुगर केन, गन्ना। अब ये चीजें हैं, इनके लिए परिवहन की जो है जरूरत क्यों है, क्योंकि चाय जो होती है वो क्या होती है, पत्तियां होती है, उनको प्रोसेस किया जाता है, तो पत्तियां अगर जल्दी से जल्दी आप फैक्ट्री साइट पे नहीं लेके जाएंगे तो वो खराब हो सकती है। दूसरा कॉफी बीन्स होते हैं, इन्हें भी जल्दी से जल्दी वहां ले जाके रोस्ट किया जाता है। तीसरा है गन्ना, गन्ने को अगर आप जल्दी नहीं लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो है शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, शुगर कंटेंट कम हो जाएगा क्योंकि वो सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए इनके लिए माना जाता है कि परिवहन नेटवर्क काफी विकसित होना चाहिए। तो ये दोनों सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रोपण कृषि के बारे में अगर बात करें, ये एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास आदि की फसलें आती है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है, इस प्रणाली में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और यहाँ पे आसपास इनके कारखानों को बनाया जाता है जहां पे इनकी प्रोसेसिंग होती है।
ठीक है, इनको संसाधित किया जाता है और उसके बाद इनको आगे बेचा जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको परिवहन की जरूरत रहेगी। अगला सवाल है, कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आवश्यक है? मध्यम तापमान और अधिक वर्षा, दूसरा है काली और जलोढ़ मृदा, 200 से अधिक शीत रहित दिवस। मैंने आपको बताया कि हम लोग कपास की बात करें, कपास अब क्या है? कपास फिर से प्लांटेशन क्रॉप है। यहाँ पे जस्ट हमने देखा, ये देखिए, ये जो है कपास, कपास एक रोपण कृषि के अंदर आता है, प्लांटेशन क्रॉप है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा, दूसरा रेनफॉल ज्यादा, ठीक है। अब कपास की अगर स्पेसिफिक बात करें तो वहां पे कपास को रेनफॉल कम चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तो चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मध्यम तापमान चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तापमान भी चाहिए ठीक ठाक और वर्षा जो होती है वो कम होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात है काली और जलोढ़ मृदा, या फिर जिसे आप ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कपास के लिए आपको ब्लैक एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है, जो कि डक्कन प्लेटो वाले रीजन में ज्यादा मिलती है आपको, ठीक है, तो ये बात सही है। 200 से अधिक शीत रहित दिवस, ये बात भी सही है। 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्य कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। उच्च तापमान चाहिए होता है और हल्की वर्षा चाहिए होती है। मैंने आपको यहाँ बताया कि वर्षा कम चाहिए, तापमान ज्यादा चाहिए, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्रॉप है तो इसके लिए हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है और तापमान जो है ज्यादा चाहिए। 200 से 210 से अधिक आपको शीत रहित दिन चाहिए, मतलब विंटर्स में नहीं है, जनरली समर्स में होता है, ठीक है। फिर काली और जलोढ़ मृदा चाहिए होगी। अगर हम लोग मुख्य उत्पादकों की बात करें, चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिश्र इसके प्रमुख उत्पादक, ठीक है। अगला सवाल, टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में साक्ची में स्वर्ण रेखा और डैश नदियों के संगम के निकट की गई थी, बराकर, दक्षिण कोयल, खरकई या फिर शंख रिवर। अब यहाँ पे सही उत्तर है खरकई। 1907 में ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी और उस टाइम पे आप ये कहा जाए कि 1907 है, मतलब कि अंग्रेजों के शासन के दौरान ये एक प्रमुख इंडस्ट्री जो है सामने आई थी हमारे, और ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर या संगम पर ये स्थापित की गई थी। यहाँ देख लीजिए, 1947 से पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को देश का एकमात्र आयरन एंड स्टील संयंत्र था, यानी कि लोह और इस्पात संयंत्र था, ठीक है। यह टाटा समूह के द्वारा निजी स्वामित्व की कंपनी थी और 1907 में झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के पास साक्ची में इसकी आप यूं कहें कि स्थापना की गई थी, ठीक है। बाद में साक्ची का नाम बदल के जमशेदपुर कर लिया गया था, जमशेद जी टाटा के नाम पे, ठीक है, ये बात हो गई। अगला सवाल देखते हैं, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह किसी सजीव में मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शन इकाई है, दूसरा है इसे प्राय जीवन का रचक खंड कहते हैं, तीसरा है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी, अगला है निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। यहाँ पे आप एक एक करके स्टेटमेंट की बात करें, पहला है कि एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए आप पाएंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर जैसे घर जो है ईंटों से बन के बनता है, वैसे ही आपका शरीर कोशिकाओं से बनके बनता है, ठीक है, तो ये इसलिए मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। इसे प्राय जीवन का रचक खंड कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी 1965 में, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों में कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है, ये बात सोचने लायक है, नॉर्मल लॉजिकल बात है कि सजीवों में जटिलता ज्यादा होगी, नो डाउट, तो ये बात भी सही है। आपके सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है जो यहाँ लिखी हुई है, वही की वही यहाँ लिखी हुई, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अधिकांश जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाते हैं, पिता से, माता से, ए और बी दोनों से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जनरली हम लोग जब बात करते हैं कि जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो आपको पता होगा ये आपका सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये जैसे आपके मदर वाली साइड का सेल है, ठीक है, माँ की साइड से है, और वैसे ही एक पिता की साइड से जो है न्यूक्लियस लेना होता है हमें, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो पिता की साइड से आता है, ठीक है। अब लेकिन सेल के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो फिर क्या होता है, ये जो दो न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज होते हैं और माँ की साइड का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के अंदर जाके फ्यूज होकर के ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माँ की साइड से मिलता है, पिता की साइड से न्यूक्लियस आता है सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का कुछ अंश होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एमटीडीएनए कहा जाता है, यह सीमित संख्या में आवश्यक प्रोटीन को कूटबद्ध करता है
अधिकांश जंतुओं में एमटीडीएनए पूर्ण रूप से माता के वंशाणुओं से प्राप्त होता है। एमटीडीएनए के उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन चेंज के वजह से कुछ आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की वजह से आपको माइटोकॉन्ड्रियल विकार और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी रोग जनित हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य टीबी का उन्मूलन करना है वर्ष 2025 तक, 2030 तक, 2047 तक या फिर 2050 तक। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, 2025 तक टीबी से भारत को छुड़ाना है, एलिमिनेट करनी है टीबी को। तो आप यहां देखेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान PMTBMBA यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके तहत उनकी पहल है ये, और उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक क्षय रोग यानी टीबी का उन्मूलन करना है भारत, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दांतों में सड़न तब प्राप्त प्रारंभ होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, जब 5.5 से पीएच नीचे चला जाएगा तो मतलब आपके मुंह में अम्लीयता बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिटी जो है बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगी, और एसिड जब बढ़ेगा तो वो दांतों का क्षय करने लगता है, ठीक है, तो दांत सड़ने लगते हैं। दूसरा है, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार मुंह में पीएच को कम करने में योगदान देता है। आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जब आप शर्करा या कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ कुछ भोजन लेते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, और वो एक्टिव होते हैं तो इनको ब्रेक करते हैं और वहां पे एसिड बनाते हैं, ठीक है, एसिड बनाते हैं। ज्यादा एसिड बनेगा तो पीएच जो है वो आपका कम होने लगेगा, ठीक है। ये बात बचपन में पढ़ी होगी साइंस में कि एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगा। अब नियमित रूप से ब्रश करने से मुंह में पीएच 5.5 से ऊपर बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब अगर आपको ये अम्लीयता कम करनी है, आपके दांतों को मजबूत रखना है, तो आपको ब्रश रोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रश के अंदर आप जनरली देखेंगे चूना होता है, ठीक है, आपने सुना होगा नमक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो वो सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि ये क्षार होते हैं, ठीक है। हमने पहले देखा था कि अगर कहीं अम्ल की मात्रा ज्यादा है और उसको उदासीन बनाना है तो उसके अंदर आपको क्षार जो है ऐड करना होगा, उससे ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मुंह में अगर अम्ल ज्यादा बन जाएगा तो आपको क्षार उसमें डालना होगा। हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं जिसके अंदर नमक चूना ये सब होता है, और वो क्षार के रूप में काम करता है, एसिडिटी को कम करते हैं और पीएच को 5.5 से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। यहाँ देख लीजिए, दांतों में सड़न तब प्रारंभ होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, अतः ये कथन सही है। दूसरा है कि मुंह के बैक्टीरिया खाने के बाद बची शर्करा और खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है। फिर बेसिक टूथपेस्ट का उपयोग अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए और दांतों को सड़न से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है यानी कि रिएक्टिव है? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और जस्ता। ऑप्शन ए जो है पोटेशियम आपका सही उत्तर है, क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके अंदर नाम दिए हुए हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, इसी तरीके से है। आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाला सोना, सोना लीस्ट रिएक्टिव माना गया है इस सीरीज में, और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होता जाएगा, ठीक है। जनरली ये कहा जाता है अगर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है किसी सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पे पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, नमक क्या है आपका NaCl, अब पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया और उसके बाद कहीं से आपने ये पोटेशियम K जो है इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद पानी को गर्म किया ताकि पानी उड़ जाए, और पीछे जो है कंपाउंड कौन सा रहेगा, तो पीछे जनरली आप पाएंगे कि KCl तो रहेगा, पहले वो NaCl था अब वो KCl बन गया। क्यों? क्योंकि उसने Na को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसकी कार्यशीलता ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, इसकी वजह से इसकी जगह पे ये खुद को लाके रख देगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो इस सीरीज में सबसे ऊपर है वो नीचे वाले को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आके बैठ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जलीय विद्युत चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का सुचालक यानी कि कंडक्टर नहीं होता है। दूसरा है, वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें विलयित अशुद्धियां और खनिज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपका जो है पानी है, ठीक है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर आप देखते हैं जनरली हम लोग पाते हैं कि अगर हम पानी में रॉड डाल के रखते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो उसमें हाथ डालने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी के अंदर कंडक्टिविटी होती है, जो करंट रॉड के अंदर है वो आपके अंदर भी आ सकता है, ठीक है, तो करंट लग सकता है, झटका लग सकता है आपको, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या वायर वगैरह को दूर रखना होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं,
ठीक है, जैसे मान लीजिए नमक NaCl, अब NaCl को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, मतलब आयन बन जाएंगे। जैसे ही अंदर आयन बनेंगे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल, आशुद्ध जल का मतलब उसमें से आयन हटा दो। अब अगर जल में आयन ही नहीं है तो वो सुचालकता कैसे बनेगी, वो जो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वो कैसे होगा, वो नहीं होगा अगर, तो फिर वो सुचालक नहीं होगा। मतलब कि अगर शुद्ध जल है, आशुद्ध जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर कोई मिनरल नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं होगा, यानी कि वो एक सुचालक नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है कि अगर आशुद्ध जल है तो वो सुचालक नहीं होता है। दूसरा है कि वर्षा का जल, वर्षा के जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जब वो आपके एटमॉस्फेयर से नीचे आता है, वातावरण से आता है, तो उसमें बहुत सारे खनिज जो आपके मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे ही मिनरल्स मिले आयन बने, आयन बने और वो चालक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अशुद्धियों की वजह से वर्षा का जल जो है सुचालक होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। यहाँ देख लीजिए, जल एक विलायक है क्योंकि जल में मौजूद अधिकांश पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं, आशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता क्योंकि वह शुद्ध जल होता है, इसमें घुलित आयन या खनिज नहीं होते हैं। जब हम वर्षा के जल की बात करते हैं, वर्षा के जल में खनिज होते हैं या फिर घुलित अशुद्धियां होती है, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि यह एक यहाँ पे देखेंगे आप कि आवश्यक आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जल को विद्युत का सुचालक बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के रक्षा क्षेत्र में के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग नो डाउट बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, आयातक हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के, लेकिन हाल ही में हम लोग कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से हम लोग निर्यात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत विश्व के शीर्ष 25 आयुध निर्यातकों में से एक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे 2015 से 2019 के बीच भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक होने का गौरव प्राप्त किया था। अब आप पाएंगे कि अभी वो आयात से परागमन कर रहा है, मतलब कि हम लोग आयात से दूर हो रहे हैं और निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में हमने स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र और या फिर हम लोग जब डिफेंस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको लेकर के भी काफी पॉजिटिव है, वो अच्छा काम कर रही है और निर्यात बढ़ने लगा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए उनके लिए एक टारगेट सेट किया गया है $2.5 बिलियन, ठीक है, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। विगत 4 वर्षों में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान। यहाँ पे जापान जो है इनके साथ हमने 2011 में किया था। अब 2011 के बाद हमने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे FTA पे साइन किए हैं 2024 में 2022 में, वो है आपके मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये तीनों 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, जापान वाला 2011 का समझौता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए फरवरी 2011 में जापान के साथ हस्ताक्षर किए थे, फरवरी 2021 में हमने मॉरिशस के साथ किए हैं, गत 4 वर्षों में 22 में हमने UAE के साथ, 22 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब 24 में यूरोपियन FTA के साइन किया है, लेकिन अभी तक ये जो आप कहें कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है बाकी सारे हो चुके हैं। आकांक्षी ब्लॉक का कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। अपने शुरुआती चरण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, 36 नहीं है, 31 राज्य है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। यहाँ पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, यह विकास पहल का उद्देश्य विभिन्न विकास मापदंडों को पिछड़े रहे क्षेत्रों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। तो बेसिकली जो ब्लॉक्स आपके पीछे रह गए हैं, ये पहले ना एक प्रोग्राम हुआ करता था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये उसी की लाइन पे बनाया हुआ है, ठीक है, उसी के अब जो है ब्लॉक लेवल पे हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी और ये 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें आधे से अधिक जिले जो है 6 राज्यों से है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट आप थोड़ा याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि बिहार इसमें शामिल है, जिसमें आधे से ज्यादा जिले जो है इन 6 राज्यों से लिए गए। अगला सवाल है, बजट 2024-25 के अनुसार तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा क्या है, 10 लाख, 15 लाख,
20 लाख या 25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो सीमा है वो 20 लाख है, पहले ये 10 लाख हुआ करती थी, अभी रिसेंटली 10 लाख और बढ़ा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें, इधर देखिए, पहले ये जो था वो तरुण कैटेगरी तक ही था, अब यहाँ पे तरुण प्लस कैटेगरी डाल दी गई है। शिशु जो लोन दिए जाते हैं वो 50,000 तक के लोन होंगे, किशोर लोन दिए जाते हैं वो 50,000 से 5 लाख तक के लोन है, तरुण लोन है 5 लाख से 10 लाख तक के, पहले यही तक कैटेगरीज थी, अब एक तरुण प्लस कैटेगरी डाली गई है जिसमें 10 लाख से 20 लाख तक के लोन दिए जाएंगे, मतलब कि टॉप कैटेगरी का लोन जो है वो 20 लाख का है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू कब हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, क्यों शुरू की गई थी, तो ये गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि और जो आपके लघु और सूक्ष्म उद्यम होते हैं उनके लिए दी गई थी, मतलब कि कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं मिलेगा और कृषि क्षेत्र को नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपके जो लघु और सूक्ष्म उद्यम जो होंगे उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योजना को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, पीएम किसान। मनरेगा आपका सही उत्तर है, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आपको याद रखना हो तो रख लीजिएगा, वरना ऐसी कोई जरूरत है नहीं, ध्यान रखिएगा मनरेगा को सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और फिर पीएम, ठीक है। अगला सवाल, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है, पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन, इनके आप कहेंगे पुनर्गठन किया गया था न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की अध्यक्षता में, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम चीज लिखी हुई है, दूसरे मेंबर्स के भी नाम लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो याद रखें, वरना इतना जरूरी नहीं है, खाली आप ध्यान रखिएगा अध्यक्षता किसने। अगला सवाल है, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर राजगीर। आपको नाम से लगेगा वैशाली, बट ऑप्शन जो है डी आपका सही है, राजगीर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अपनी तरह का पहला लोकतंत्र का वैशाली महोत्सव बिहार के राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और नालंदा विश्वविद्यालय के दोनों ने मिल करके इसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हुए लोकतंत्र का वैशाली महोत्सव पहली बार यहाँ नालंदा में सेलिब्रेट किया, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मिला है, ब्यूरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम श्री एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है मेडिकल फील्ड के अंदर है ये मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसको जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है, और ये किसने दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार में यूनिटी मॉल की आधारशिला कहां रखी है, गया, पटना, समस्तीपुर या फिर भागलपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। वन नेशन वन सॉरी वन सिटी वन प्रोडक्ट नाम की एक योजना चली थी, यहाँ पे आप देखिए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना है, उसकी पहल के अंतर्गत यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक है, उसका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद पहल का समर्थन करना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के 6th संस्करण में समग्र चैंपियनशिप हासिल की है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या झारखंड। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, देश भर से लगभग 5600 से अधिक एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2024 में हुआ था, 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तमिलनाडु के 4 शहरों में ये हुआ है, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बतूर में, ठीक है। महाराष्ट्र ने यहाँ पे सबसे ज्यादा पदक लिए हैं, 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक लिए हैं, और इसीलिए इनको यहाँ पे शीर्ष स्थान मिला है, और इन्हें ये यहाँ आप देखेंगे कि संस्करण में समग्र चैंपियनशिप हासिल की है महाराष्ट्र ने, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, हाल ही में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये कर्नाटक में है आपके, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए, हाल ही में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 पर भारत ने 5 और वेटलैंड को रामसर स्थलों में शामिल किया है। ये 5 नाम आपके सामने दिए हुए हैं, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य जो कर्नाटक में है, अग्नाशिनी ज्वारंदमुख जो है वो भी कर्नाटक में है, मगदी करे
करे जो है जनरली आप पाएंगे ये करे शब्द जो है ये झीलों के लिए यूज किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ पे मगधी करे संरक्षण अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में, इसके अलावा कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, ये पांचों को अभी रिसेंटली वेटलैंड्स में हमने शामिल किया, ठीक है। अगला सवाल है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था, अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, ये सोचने की बात ही नहीं है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जो ये ओलंपिक्स हुए हैं 2024 वाले पेरिस में हुए, ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था, ठीक है। अगला सवाल है टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया है, पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पालतू प्रोजेक्ट जो रतन टाटा है उनका एक प्रोजेक्ट है पालतू प्रोजेक्ट, जिसके अंदर टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल का एक स्थापना की गई है मुंबई में, ठीक है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो यूएसए भारत, यूएसए जापान, भारत और रूस और चीन और जापान, ऑप्शन बी सही उत्तर है, यूएसए और जापान। जापान ने ये सैटेलाइट बनाया है लकड़ी से, ठीक है, पहली बार ये देखने के लिए कि जब हम ये सैटेलाइट लकड़ी से ऊपर स्पेस में भेजेंगे तो ये काम करते हैं कि नहीं है, तो इसका ये कह सकते हैं टेस्ट करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया है, लेकिन इसको प्रक्षेपित करने के लिए जो है यूएसए इसको लॉन्च करने में हेल्प कर रहा है, तो ये दोनों का प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन सैटेलाइट पूरी तरह से जापान ने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जापान और अमेरिका दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट, नाम है सैटेलाइट का लिग्नोसैट को, सॉरी लिग्नोसैट नहीं लिग्नोसैट, ठीक है, लिग्नोसैट को परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं, और किस लकड़ी से बना हुआ है, ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना हुआ है, मैग्नोलिया की लकड़ी से बना हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, शायद पूछा जा सकता है। क्यों इसे यूज किया गया, एक तो ये लाइट वेट होती है, स्थिर होती है, दूसरा दरार प्रतिरोधी होती है, क्रैक्स जो है उनको रेजिस्ट करती है, ठीक है। अगला सवाल है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन जो है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट इज CMS, ठीक है, के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक COP14 कहां आयोजित की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केन्या, समरकंद उज़्बेकिस्तान, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है, समरकंद में इसका आयोजन किया गया था COP14, इसे CMS14 नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, COP14 या CMS14, तो ऑप्शन सी समरकंद इसका सही उत्तर है, और इसके अंदर कुछ 14 प्रवासी प्रजातियों के लिए लिस्टिंग प्रस्तावों को अपनाने पे भी हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें काफी सारे नाम यहाँ पे दिए हुए, यूरेशियन लिंक्स, पेरोवियन पेलिकन, पल्लास की बिल्ली, गुआनिको, लाहिल्स, बॉटल नोज डॉल्फिन, हार्बर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है, आप सारे नाम याद रखें, एक बार इनको पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था, जहानदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम या फिर फर्रुख शेर, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। फर्रुख शेर वैसे भी प्रोमिनेंट रहा है क्योंकि उसने, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्पेशल राइट दिए गए थे, दस्तक पासेस दिए गए थे, वो उसके लिए फर्रुख शेर ने जो है उनको फरमान जारी किया था। फर्रुख शेर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुख शेर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर यानी शाही फरमान दिया था, जिसके तहत उनको दस्तक जारी किए गए थे, जिसकी वजह से उनको बंदरगाहों से अपना सामान ले जाने के लिए, उनमें ट्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुखपत्र था, बिहार बंधु, लोकमत, प्रताप या फिर हुकार, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है, हुकार, ठीक है। हुकार एक हिंदी साप्ताहिक था जो कि कृषि और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टार्ट किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रही है कृषि आंदोलन किसान आंदोलनों को लेकर के, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि वर्ष 1940 में पंडित यमुनाकर जी राहुल, जब हम बात करें राहुल सांकृत्यायन, इनको आप जानते होंगे, काफी फेमस राइटर भी रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने इसकी एडिटिंग करी, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है और जो सुमेलित नहीं है, आपको कुछ भाग दिए हुए हैं, आपको देखना कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 17 आपातकालीन प्रावधान और भाग 9 पंचायत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि अगर आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो वो भाग 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाग 17 जो है राजभाषा से रिलेटेड है और भाग 18 जो है वो आपातकालीन प्रावधान। अगला सवाल है
निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, गडगिल समिति, थुंगन समिति, एल एम सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, और इन्हें कहा गया है कि इनको क्रोनोलॉजिकल यानी कि घटना समय के अनुसार आपको इनको अरेंज करना है। तो इनका कालानुक्रमांक क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो जीवी के राव समिति जो थी, अगर हम देखें तो वो पहले आई थी, फिर एल एम सिंघवी, थुंगन और फिर गडगिल। यहां पे सारी समितियों के नाम, उनके अध्यक्षों के नाम, उनके उद्देश्य क्या थे वो भी दिए गए हैं। इसके अलावा उनका सन जो है वो भी यहां दिया गया, किस वर्ष में ये समिति आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले 1985 में जीवी के राव समिति, जो कि आपके ग्रामीण विकास और पंचायत वगैरह से संबंधित थी। दूसरा था कि 1986 में एल एम सिंघवी समिति, ये भी फिर से पंचायत से जुड़ी हुई थी। नाम था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था को पुनर्जीवित करना। पहले वाली जो समिति थी जीवी के राव, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा, ठीक है। अगला है 1988 में आपकी जो कमेटी आई थी पी के थुंगन के अध्यक्षता में, जिला योजना निर्माण हेतु जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच। और अगला है 1988 में वी एन गडकिल के अंदर में एक समिति आई थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा, 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन बी सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? लॉर्ड मायो का संकल्प, लॉर्ड रिपन का संकल्प, लॉर्ड मॉन्टेग्यू का संकल्प, या फिर मेटकाफ का संकल्प। जब हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इन्हीं के इस संकल्प के द्वारा यहाँ पे आप पाएंगे कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन का संकल्प। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 के संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यहां पर देखेंगे रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण समुदायों पर विशेष ध्यान देने हेतु आम लोगों के लिए राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय किया था। तो आप कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन थोड़े अच्छे आदमी थे, ठीक है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये साधारण विधेयक है तो इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये मंत्री के द्वारा या फिर निजी मेंबर्स जो होते हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये ऑर्डिनरी बिल है, ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी के द्वारा, मंत्री या किसी निजी सदस्य के द्वारा भी किया जा सकता है पेश, और इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुशंसा की भी जरूरत नहीं रहेगी। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब राज्यसभा के पास पूरे पावर है इसको लेकर के। जब हम बात करते हैं मनी बिल की, तो उसमें राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, संशोधन बता सकती है, लेकिन वो बाउंडेड बाउंडेशन नहीं होती है लोकसभा के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसके यहाँ पे अधिकतम 6 माह की महीने अवधि के लिए जो है राज्यसभा इसको रोक सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आपका संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा अगर हम लोग मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी है, मतलब कि कानून के तहत बनाया गया है। नीति आयोग है जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीबीसी, वो भी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब कैसे क्या बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून के हिसाब से बना है, संविधान में नहीं दिया गया इसके बारे में। दूसरा है नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है जिसे सरकार ने बनाया अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। आपका सीबीसी की अगर बात करें तो यह ना तो किसी संविधान के अंदर दिया गया, तो ये संविधानिक भी नहीं है, और इसके अलावा जब हम बात करते हैं सीबीसी की तो इसके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया, ये केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये बनाया गया था, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका बिल्कुल बकायदा आपका आप कह सकते हैं संविधान में इसका मेंशन किया गया है, तो ये एक संवैधानिक निकाय। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। इनका चुनाव जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। मतलब राज्यपाल चुनाव करेगा, और आप यूं कहें कि अपॉइंट राज्यपाल करेगा और रिमूव जो है राष्ट्रपति करेगा। अगला है यह अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें गलत जो कथन है उसका चुनाव करना।
ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सेम ही बात है जो हमने वहां की, 62 वर्ष की आयु रहेगी या फिर 6 साल तक की अवधि के लिए उनको चुना जाता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पदच्युत जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग ने ग्रो नाम की एक रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किससे संबंधित है, ये कृषि वानिकी से संबंधित है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री से ये संबंधित है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्रो का पूरा नाम है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये इसकी पहल जो है नीति आयोग ने की है, लेकिन ये एक बहुसंस्थागत पहल है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, हाल ही में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया या फिर मालदीव। ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है, कि जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है, इस एरिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो कॉमन इश्यूज है उसको डिस्कस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सोशल मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत की है, कर्नाटक ने की है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है जो सोशल मीडिया है आपका, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह है, इसकी आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है आप उस एक दिन या उस अवधि के लिए उसका यूज नहीं करेंगे, आदत छुड़वाने का एक तरीका। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर के ये पहल जो कि डिजिटल डिटॉक्स पहल है ये अभी शुरू की। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। जनरली जब हम लोग ऐसे इंडेक्स वगैरह की बात करें तो ऑप्शंस तो ज्यादा नहीं पढ़ता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डिस्कस किया था, ताकि एक ही नाम आपके माइंड में रहे, जब आप इसको पढ़ेंगे सीधा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हिट करेगा, सीधा आंसर डाल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 से पता चलता है कि अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए न्यूनतम प्रगति की है, मतलब करप्शन हटाने के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 180 देशों और क्षेत्रों का एक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर के कितना प्रयास रहते हैं उसकी एक सूचकांक बनाता है। ठीक है, जो यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक है, 0 है अगर तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, और अगर आप 100 पे हैं इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्लीन है, मतलब साफ। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही उत्तर है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमने इनके साथ एक बायलेटरल निवेश इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर। ठीक है, निवेश बढ़ाने के लिए किए, सीधी सी बात है, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है उनके अवसर प्रदान करने के लिए इसे साइन किया गया। अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, 42nd जो है स्थान भारत ने हासिल किया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। ठीक है, इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आशा करता हूं आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो हैं इसी सीरीज से जुड़े हुए जो YouTube पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।